डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अपनी इलेक्शन मुहिम को जारी रखते हुए आज डोरू शाहबाद के लारकीपुरा, डोरू, वेरीनाग और कपरन शाहबाद का रोड शो किया। रोड शो के दौरान पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद का जोश खरोश के साथ इस्तकबाल किया। इस दौरान पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद ने अपने 3 साल दौरे इक्तदार का खाका लोगों के सामने पेश किया। आजाद ने कहा कि 50 साल से जो मेरा पार्लियामेंट और असेंबली में तजुर्बा है, हिंदुस्तान में जिस मिनिस्ट्री में रहा, मेरा एजेंडा सिर्फ डेवलपमेंट का रहा। उन्होंने राजीव गांधी की तारीफें करते हुए कहा कि राजीव गांधी वाकई एक काबिल तालबेलम होने के साथ साथ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी था पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि एक अच्छे लीडर को सबसे बेहतरीन तालबेलम होना जरूरी है। आजाद ने कहा कि मेरा एजेंडा जम्मू कश्मीर में बेकारी और बेरोजगारी खत्म करना है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के ऐवान में अगर रियासत जम्मू कश्मीर की कोई बात कर सकता है, वो एडवोकेट सलीम परे है, जिसके अंदर काफी सलाहियत है। आजाद ने लोगों पर जोर दिया कि वो 7 मई को एडवोकेट सलीम परे के चुनावी निशान बाल्टीन पर अपना कमती वोट डाले। बहुत काबिल स्टूडेंट राजीव गांधी, काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, काबिल रूलर। एक अच्छे लीडर को सबसे बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए, सीखना। नेहरू को जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बर्तानिया वाला अखबार वाला, ये अखबार वालों आपके लिए ये पूछा करो, तो उसने नेहरू को पूछा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में आप सबसे पढ़े लिखे हैं, बैरिटला लंदन से। कहा वो सब गलत कहते हैं, मेरी पढ़ाई उस बच्चे के बराबर है जो दरिया के किनारे पत्थरों से खेलता है। अब ये नेहरू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है, जो लंदन से लॉ किया हुआ था, जिसका बाप अमीर तरीन वकील था हिंदुस्तान का और सबसे ज्यादा फीस लेने वाला, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है, नॉलेज इतना वसी है, उसमें मैं सिर्फ अभी 1-2 साल वाले बच्चे को जितना नॉलेज है दुनिया का उतना ही। जितने मैंने स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज बनाए हैं 75 साल में नहीं बने, लेकिन मैंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं 75 साल में सिर्फ 3 थी, मैंने 1 वो कर नहीं पाया। किसी हुकूमत में पूरे हिंदुस्तान में आजादी के बाद 8 डिस्ट्रिक्ट 1 वक्त में नहीं बने, पूरे हिंदुस्तान 8 डिस्ट्रिक्ट में बने, और जब डिस्ट्रिक्ट बना उसमें डिस्ट्रिक्ट का एसपी भी आया, डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन भी आया, डिस्ट्रिक्ट का इरिगेशन ऑफिसर भी आया, डिस्ट्रिक्ट का पीडब्ल्यूडी ऑफिसर भी आया। आज मैं कार में सोच रहा था मेरा जैसा पागल भी कोई होगा, इलेक्शन लड़ाता हूं ना पैसे मैं, इससे उससे लाख लेते हैं और लोग सैकड़ों करोड़ों खर्चते, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं उनका हमेशा मशकूर रहूंगा। चाहे मैं बहुत अहदों पे रहा लेकिन मैंने पैसा नहीं बनाया है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, कश्मीर में भी कहा, एक आदमी कहे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर से किसी ट्रांसफर अपॉइंटमेंट के लिए, काम करने के लिए ठेकेदार से नया पैसा इलेक्शन के लिए लिया हो या अपने रिश्वत के लिए। यह एजेंडा है मेरा बेकारी खत्म करने का, बेरोजगारी खत्म करने का एजेंडा है मेरा। स्कूलों में जो दिए उनमें टीचर नहीं, मेरा एजेंडा है जो कॉलेजेस में
कल जिस हस्ताक्षर दिए उनमें डॉक्टर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है।